नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अपने जो मोटर पढ़ रहे थे आज उसके अंदर आगे चलेंगे। तो सिंगल फेज मोटर अपना टॉपिक चल रहा था, आज अपने बात करेंगे कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर कैसे होगी, उसके अंदर कैसे क्या चीज होगी। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो परमानेंट के अंदर इसका मतलब ये तो पता चल ही चुका होगा कि यहाँ आप लोग जो कैपेसिटर जोड़ोगे वो परमानेंटली जोड़ोगे। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि यहाँ अब केंद्रीय स्विच का यूज नहीं होगा। यहाँ एक चीज ये बात आपको यहां से याद रखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा, उसका यूज नहीं होगा। तो इसकी संरचना अगर देखें इस तरीके से, और यहां आपने काम क्या कर दिया, कैपेसिटर जोड़ दिया, और इस तरीके से ये अपनी रनिंग वाइंडिंग हो जाएगा, सॉरी ये स्टार्टिंग थी और ये अपने को पता है रनिंग होगी। तो डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि यहां अपने काम क्या करेंगे, एक संधारित्र का यूज करेंगे जो स्टार्टिंग के सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये रोटर इस तरीके से यहाँ पे जो गिलहरी पिंजरा मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही रहेगा। संधारित्र यहाँ कौन सा लेंगे, तो कैपेसिटर यहाँ जो लिया जाता है वो लिया जाता है पेपर, क्योंकि पेपर का लेने का रीजन है कि पेपर की जो एज होती है वो इलेक्ट्रोलाइट से क्या होती है, ज्यादा होती है। आयुज होती है वो इस संधारित्र की क्या होगी, ज्यादा होगी। ये खराब नहीं होता जल्दी से, इसी के पीछे और कोई रीजन नहीं है यार। अब अगर इसका फेजर डायग्राम अगर आपने देखें तो फेजर डायग्राम जो आपने उस दिन कल जो पढ़ा था उसके जैसे ही हो गया। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और यहाँ ये 10 से 20 डिग्री चलेगा, क्योंकि यहां हमने संधारित्र को जोड़ रखा। रनिंग वाइंडिंग का जो रहेगा ये पीछे रहेगा, ये 70-80 डिग्री पीछे रहेगा। और इन दोनों की वजह से ये जो मेन करंट आती है ये हमेशा क्या रहेगी, ये भी क्या करेगी, लेग करेगी, ये 50-60 डिग्री क्या करती है, लेग करती है। इस संधारित्र का स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा होगा, रनिंग टॉर्क भी अच्छा होगा। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि इस मोटर का, ये जो मोटर है और एक जो पहले जो आपने मोटर पढ़ी थी, उन दोनों की तुलना में ये मोटर सस्ती होती है। उन दोनों की तुलना में ये मोटर सस्ती होगी। अगर दो मोटर अपने पास समान कैपेसिटी के, जिसके अंदर एक आपके पास परमानेंट कैपेसिटर मोटर है और दूसरी मोटर आपके पास कौन सी है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, तो उन दोनों के अंदर याद रखोगे कि ये मोटर क्या होती है, सस्ती होती है। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो उस मोटर का अच्छा होगा, जबकि रनिंग टॉर्क जो होगा वो इस मोटर का अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ कैपेसिटर रन मोटर भी इसको लिखा आ सकता है एग्जाम के अंदर, ये बात आपको यहां से याद रखनी है। इसके यूज देखो कहां कहां करेंगे, इसका यूज आपने कहां करते हो, पंखों के अंदर करते हो, सीलिंग फैन जो होता है, छत के पंखे जो होते हैं वहां करोगे, कूलर जो होता है वहां करोगे, इसके अलावा अपने फराटा फैन जो होंगे वहां करते हो, इसके अलावा आपने मधानी देखी होगी, दूध दही जो होता है उसको बिलोने के लिए यूज करते हो, इसके अलावा घरों के अंदर जो पानी उठाने वाली जो मोटर होती है, ठीक है, पानी मोटर में लिख देता हूँ सिंपल भाषा में, ठीक है, तो वहां इसका यूज किया जाता है। तो ये बातें आपको यहां से याद रखनी है। तो यहां क्या बात याद रखनी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होगी वो अकेंद्रीय स्विच का यूज नहीं करती, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा, वहां इसके अंदर यूज नहीं किया जाता। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। लास्ट में अगली जो मोटर पढ़ेंगे उसके बाद इन सभी का क्या करेंगे अपने एक साथ थोड़ा सा एक चीज देखेंगे। अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा कैपेसिटर रन मोटर। इसका मतलब ये चीज तो आपको पता चल चुकी होगी कि यहां कैपेसिटर दो बार आया, तो यहां दो संधारित्रों का क्या करेंगे अपने यूज करेंगे, तो दो संधारित्र यहां अपने यूज करेंगे। देखो फेजर डायग्राम इसका सही ही रहेगा, फेजर डायग्राम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग स्ट्रक्चर में होगी थोड़ी सी, यहां अपने पास जो दिखाई दे रहे हैं दो संधारित्र दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने जो पहले दो मोटर अगर ध्यान से सुना है तो ये आप लोग ये बता सकते हो स्टार्टिंग संधारित्र कैसा होगा, रनिंग संधारित्र कैसा होगा। स्टार्टिंग आपको मैंने बताया था कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर के अंदर ये कौन सा संधारित्र होगा, ये होगा हमेशा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और जो रनिंग हमेशा जोड़ा जाता है वो हमेशा कौन सा होगा, वो पेपर होगा। तो यहां से आपको दो बातें याद रखनी कि सीएस जो स्टार्टिंग होगा वो तो होगा इलेक्ट्रोलाइट, और जो सी आर जो होगा रनिंग जो होगा वो कौन सा होगा, ये हमेशा कौन सा होगा, पेपर संधारित्र होगा। फेजर डायग्राम इसका ही बनेगा। अब यहां से क्या बात याद रखनी है, दोनों संधारित्र जो होते हैं दोनों संधारित्र क्या होंगे, समांतर में होंगे, पहली बात तो आपको याद रखनी। दूसरी बात, अब केंद्रीय स्विच होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा, वो किस संधारित्र के सीरीज में होगा, तो ये स्टार्टिंग के सीरीज में होगा, नाम में ही पता चलना स्टार्टिंग। इस मोटर के अंदर अब इलेक्शन की अगर बात करें तो देखो क्या क्या बातें याद रखनी है।
या इसके गुण के अंदर, पहली बात तो ध्यान है इसकी ओवरलोड कैपेसिटी जो होती है 75% होती है, मतलब ये मोटर 125% होगी, मतलब ये मोटर अपनी क्षमता से 25% ज्यादा लोड उठा सकते फिर भी ओवरलोड नहीं होती। मतलब जितनी भी मोटर आपने अभी तक पढ़ी है उन सब के अंदर जो ओवरलोड कैपेसिटी होती है वो इस मोटर के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी, पहली बात है। दूसरी बात, इस मोटर का पावर फैक्टर अभी तक जितनी मोटर पड़ी उनमें सबसे ज्यादा होगा, पावर फैक्टर बढ़िया होगा, जिसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा होगा और इसका रनिंग टॉर्क भी होगा, वो दोनों मोटर चारों मोटरों के अंदर अभी तक क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। इसके बाद में क्या याद रखनी, इसकी जो स्टार्टिंग करंट होती है वो सबसे कम होगी। तो ये इनके अंदर क्या होगी, ब्रेक्शन होगी। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी। फिर क्या याद रखूंगी, स्टार्टिंग कुंडली के अंदर करंट होगी वो वोल्टेज से हमेशा लीड करेगी और रनिंग कुंडली के अंदर, रनिंग कुंडली के अंदर जो करंट होगी वो वोल्टेज से क्या करती है, लैग करती है। दूसरी बात क्या याद रखो कि जो मेन करंट होगी ये हमेशा क्या करती है, क्या चलेगी, पीछे ही चलेगी। और इसलिए ध्यान रखना, सिंगल फेज मोटर जितने भी आप लोग पढ़ोगे उन सब के अंदर जो इनका पावर फैक्टर होगा वो हमेशा लैगिंग ही होगा। लेकिन अलग अलग वाइंडिंग की बात करें तो वो लैगिंग भी हो सकता है और लीड भी हो सकता है। तो लैगिंग तो इसके अंदर रहेगा स्टार्टिंग के अंदर, और लीडिंग रहेगा वो रहेगा, सॉरी लीडिंग रहेगा वो रहेगा स्टार्टिंग के अंदर, और लैगिंग रहेगा रनिंग के अंदर। तो ये बात आपको यहां से याद रखें। अब बात करेंगे इस मोटर का यूज कहां किया जाता है। इस मोटर का यूज किया जाता है एसी एयर कंडीशनर के अंदर किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है अपने एयर कंप्रेसर के अंदर यूज करते हो, और इसके अलावा आपने देखा होगा वाटर कूलर जो होता है, क्योंकि एसी और वाटर कूलर का प्रोसीजर जो होता है वो दोनों सेम ही होते हैं, तो यहां इनका यूज किया जाता है। तो ये बात आपको यहां से क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये इस मोटर के क्या मेन इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखें, अब अपने कुछ चीजें के बारे में बात करेंगे कि अगर ये चीज करें तो ये करें तो क्या होगा। तो अब चारों मोटरों को मैं एक साथ आपको बता देता हूं, तीनों को। यहां ये जो पहली मोटर है ये आपको पता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, दूसरी आपको पता है परमानेंट है, और तीसरी जो मोटर रहेगी अपनी वो रहेगी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। और ध्यान रखना, जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है इसको डबल वैल्यू मोटर भी, डबल वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं। अब अगर आपको इनकी घूर्णन दिशा चेंज करनी है, देखो कॉमन बातें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली बात आपको इनके बारे में याद रखनी है, वो याद रखनी है स्ट्रक्चर के बारे में। संरचना के अंदर जो मैंने आपको चारों बातें बताई थी शुरू के अंदर, रोटर स्टेटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वो आपको याद रखना है। कैसे जुड़ा होगा आपको डायग्राम से पता चल रहा है, कहां किसमें होगा किसमें नहीं होगा। फिर याद रखना आपको इनके संधारित्रों के बारे में कि किसमें कौन सा संधारित्र यूज करेंगे। तो ये तो एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये चारों आप तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर ध्यान रखना फेजर डायग्राम तीनों का सेम चलेगा, यूज जो होंगे तीनों के अलग होंगे। अब तीनों की क्षमता सेम है तो सबसे सस्ती मोटर अगर अपने बात करें तो देखो कौन सी होगी, सस्ती अगर अपने बात करें तो वो होगी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। उसके बाद में ध्यान रखना स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपसे सबसे बढ़िया पूछे तो वो होगा अपना इसका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। उसके बाद में ध्यान रखना अगर आपसे पूछे पावर फैक्टर कि किस मोटर का पावर फैक्टर सबसे बढ़िया है तो वो ध्यान रखना यहां कौन सी होगी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब देखो चलते समय अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी मोटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो परिपथ में नहीं होती, अगर यहां देखेंगे तो ये स्विच ओपन होगा तो ये संधारित्र जो होगा ये खुल जाएगा जबकि ये परमानेंट जुड़ा रहेगा, इसको आप लोग बाहर कर दें। इसका मतलब ये वाइंडिंग जुड़ी रहेगी सर्किट के अंदर, यहां भी जुड़ी रहेगी जबकि यहां नहीं जुड़ी रहेगी। तो रनिंग वाइंडिंग ओपन किसके अंदर होती है तो वो होगी अपने पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद देखो अगर ये संधारित्र है, अगर ये संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच है, अगर ये अपकेंद्रीय स्विच क्या होता है ओपन नहीं होता, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा वो अगर ओपन नहीं होता, अब केंद्रीय स्विच क्या नहीं होता ओपन, तब क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलते समय अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच अब ओपन नहीं हो रहा तो क्या होगा, अगर ये ओपन नहीं होगा तो ये वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वाइंडिंग ओपन हो रही थी पहले, क्योंकि इसका टोटल जेड रहेगा वो कम रहेगा
और अगर आपने इसको नहीं जोड़ा, अगर इसको ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ जो वोल्टेज रहेगी आपको पता है 240 होगी, और ये वाइंडिंग यहां से लेकर यहां तक का सर्किट सीरीज समांतर में जुड़ा, तो इसका मतलब इसके टर्मिनलों पर जो वोल्टेज रहेगी वो पूरी रहेगी। तो मतलब कौन सी वाइंडिंग जो होगी जलेगी वो जाराना कौन सी रहेगी, स्टार्टिंग जलेगी। तो ये बात आपको यहां से आती है। उसके बाद बात करेंगे अगर कैपेसिटर जो होगा, अगर कैपेसिटर है वो क्या है, या तो ओपन है या क्या शॉर्ट है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर शॉर्ट है इसका मतलब ये हुआ कि ये काम क्या कर रहा था, ये एक फेज को दो फेज में तोड़ने का काम कर रहा था, तो ये काम नहीं करेगा, इसका मतलब मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगर ये ओपन है तो भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है कि अगर संधारित्र है, अगर कैपेसिटर या तो ओपन है या क्या शॉर्ट है, इन दोनों की कंडीशन के अंदर मोटर क्या रहेगी, वो स्टार्ट क्या होगी, नहीं होगी। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी। उसके बाद में ध्यान रखना, अगर ये संधारित्र आपने यहां इसी एक्सेल का, इसी क्योंकि इसका तो एक्स ही होगा, अगर इसी एक्सेल का आप लोग काम क्या करते हो, आपने चौक जोड़ दी तो क्या होगा, तो इसका फेजर डायग्राम देखो किस तरीके से बनाता हूं मैं। ये वोल्टेज है और आपको पता है पहले ये क्या चल रही थी, आगे चल रही थी, अब आपने काम क्या किया, और ये अपनी रनिंग वाइंडिंग है, और इसका आपको पता 70 से 80 डिग्री ये लेग चल रही थी, और ये जो वाइंडिंग आपको पता है कौन सी है, इसको मैं नीचे ही बना देता हूं, ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आपने समझ लिया होगा किस तरीके से होगा। अगर मैं काम क्या करता हूं देखो, यहां पे ये मान लेते हैं वोल्टेज है, और आपको पता है कि पहले इसका फेजर डायग्राम ऐसे बन रहा था स्टार्टिंग के अंदर, और ये आपको पता है ये रनिंग वाइंडिंग थी। अगर आपने काम किया कि यहां चौक जोड़ दी, तो आपको पता है कि इस वाइंडिंग के अंदर इंडक्टेंस का गुण था, इसकी वजह से पावर फैक्टर पीछे चल रही थी करंट। अगर आपने यहां चौक जोड़ दी, इसका मतलब ये करंट वापस क्या करेगी, पीछे चलेगी। इसका मतलब अब दोनों वाइंडिंग के बीच में जो डिफरेंस था वो क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब यहाँ घुनी चुनके क्षेत्र नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि समान प्रतिघात का अगर संधारित्र है उसको अगर चौक से बदल दे तो क्या होगा, तो मोटर क्या रहेगी, स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद देखें अगर ये संधारित्र जैसे मान लेते हैं यहां हो चाहे यहां हो, एक ही बात है, अगर ये संधारित्र अपने काम क्या कर दिया, सी का मान ज्यादा ले लिया, कि अगर आपको बोल दे कि 2 माइक्रोफेरड का संधारित्र लगाना था और आपने 4 माइक्रोफेरड का लगा दिया, तो क्या होगा, या तो संधारित्र की धारिता कम लगा दोगे या आपने ज्यादा धारिता का लगा दिया, तब क्या होगा। अगर यहां आप लोग क्या करते हो, ज्यादा धारिता का लगाते हो, तो एक्स ही आपको बताया बने बोन में क्या रहेगा, 2πfc रहेगा। सी का मान अगर बढ़ेगा तो एक्सी का मान घटेगा, एक्सी का मान घटेगा इसका मतलब ये जो वाइंडिंग जो है, इस वाइंडिंग पर क्या रहेगी, वोल्टेज का मान क्या रहेगा, ज्यादा। ये आपने कल वोल्टेज डिवाइडेशन का रूल भी पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर वो चीज ड्रॉप ज्यादा करेगी वोल्टेज का जिसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहां आपको पता है इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि इसकी धारिता अगर आपने पहले से ज्यादा ले ली तो एक्सी का मान घटेगा, इसका मतलब इस पर वोल्टेज ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, इसका क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, लेकिन इस पर वोल्टेज की बार क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसका मतलब ध्यान रखना, अगर आपने संधारित्र की धारिता क्या कर दी, चेंज कर दी, तो आपने क्या कर दिया, हाई रेजिस्ट हाई कैप हाई सी का लगा दिया, तब क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या रहेगी, जल जाएगी। अगर आपने कम का लगाया, लो का लगाया, अगर संधारित्र की धारिता मान लेते पहले 2 माइक्रोफेरड का था, आपने आधे का लगा दिया या 1 का लगा दिया, तो इसका स्टार्टिंग टोरक क्या रहेगा, वो घट जाएगा। तो स्टार्टिंग टोरक क्या रहेगी, कमी आ जाएगी। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद में देखें, इसके अंदर आपको पता है कि एक तो रनिंग है और एक कौन सा स्टार्टिंग है, अगर इनको बदल दे तो क्या होगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि यहाँ जो स्टार्टिंग संधारित्र होगा, इसकी धारिता ज्यादा होती है, इसकी क्या होती है, कम होती है। अगर इनको उल्टा चेंज कर दिया तो क्या होगा, मतलब यहां आपने इसको यहां लगा दिया, इसको यहां लगा दिया, तब क्या होगा। तो ये ध्यान रखना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में सी एस और सी आर बदलने पर, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया आपने,
इंटरचेंज कर दिया। तो उस समय क्या होगा, अभी आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया था यहां पे, अगर इसको यहां जोड़ोगे इसको यहां जोड़ोगे, क्योंकि इसकी जो धारिता है वो इसकी तुलना में क्या ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको आपने यहां जोड़ोगे तो इस पर वोल्टेज बढ़ेगी, इस पर वोल्टेज ज्यादा होगी, इसका मतलब वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसका मतलब कौन सी वाइंडिंग होगी, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, शॉर्ट में लिख देता हूं, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये बात आपको यहां से क्या करनी है, याद रखनी। उसके बाद एक अगर आप लोगों ने काम किया गया कि संधारित्र को आपको रनिंग के साथ जोड़ना था, आपने क्या कर दिया, स्टार्टिंग के साथ जोड़ना था, आपने रनिंग के साथ जोड़ दिया, ऐसे कर दिया इस तरीके से, और ये आपको पता ये रनिंग है और ये आपको पता ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। यहां मैंने क्या किया, वोल्टेज दे दी। इस समय क्या होगा कि अगर आप लोग देखोगे तो ये वाइंडिंग पूरी की पूरी सप्लाई के समांतर में आ चुकी है, इसका मतलब इसका जो जड था वो क्या था, कम था, इसकी तुलना में इसका जड़ क्या होगा, कम होगा, आपको मैंने भी बताया था। इसका मतलब ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो हर कंडीशन के अंदर जो वाइंडिंग जो जलेगी वो हमेशा कौन सी जलेगी, वो जलेगी आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, ऐसा कोई बहुत कम चांस होगा कि आपकी रनिंग वाइंडिंग होगा, बहुत कम चांस होगा जो आपकी जलती हो। ये बातें आपको यहां से याद रखनी है। तो दोबारा इनका एक बार रिवाइज करें। इसके अलावा अगर कोई आपको बात याद हो, अगर ऐसा हो तो आप कमेंट कर देना और अगली वीडियो में मैं इसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई है कि ये चीज अगर करेंगे तो क्या हुआ, ये चीजें क्या करेंगे तो क्या हुआ, तो ये बातें आपको यहां से याद रखनी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए कि इसके अंदर ऐसा करें तो क्या हुआ, अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा ओपन होगा तो क्या हुआ, कैपेसिटर आपने ज्यादा धारिता का लगा दिया तो वाइंडिंग जलेगी, कम धारिता का लगाया तो टॉर्क घटेगा, स्टार्टिंग और रनिंग संधारित्र को चेंज कर दें तो हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग जलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग संधारित्र ज्यादा धारिता का होगा, इस कारण क्या होगा, इस वाइंडिंग पर ड्रॉप जो होगा वो ज्यादा रहेगा। रनिंग के अंदर एक ऐसी वाइंडिंग होगी, एक मोटर होगी जिसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से बाहर रहेगी, वो इसके अंदर रहेगी। इसके अलावा जो आपने पहला पढ़ा था रजिस्टर स्टार्ट, उसमें जो होगी वो वाइंडिंग ओपन हो जाती है, बाकी इन दोनों के अंदर ओपन नहीं होती क्योंकि इसके अंदर संधारित्र परमानेंट है जबकि यहाँ दो संधारित्र लगे हुए। उसके बाद क्या याद रखना, इन दोनों की जो जोड़ोगे वो आप हमेशा क्या जोड़ोगे, समांतर में जोड़ोगे। इसके अलावा एक चीज और देखें, अगर आपको ये बोलते कि आपके पास कोई भी मोटर है, चाहे परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, चाहे रजिस्टर स्टार्ट मोटर है, सॉरी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, या इस तरीके से अगर आपको बोल दे कि दो संधारित्रों को आपने क्या कर दिया, समांतर में जोड़ दिया, पहले एक संधारित्र लगा हुआ था 2 माइक्रोफेड का, अब आपने दो दो माइक्रोफेड के क्या कर दिए, 2 सीरीज में जोड़ दिए, अब आपको पूछे तो क्या होगा, तो आप लोग काम क्या करोगे, टोटल जो सीरीज होगा आपको पता है 1 माइक्रोफेड होगा, क्योंकि समांतर में धारिता क्या होती है, घटती है। इसका मतलब ये होगा कि इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, पहले से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यही होगा। और वो बात मैंने आपको भी बताई थी कि या तो आप लोग काम क्या करो, वैल्यू को एक संधारित्र 2 माइक्रोफेड का लगाना था या एक आपने क्या कर दिया, 1 माइक्रोफेड का लगा दिया तो भी बात वही है, या आपने काम किया क्या, 2 संधारित्र जोड़ दिया कैसे समान श्रेणी में, तो भी क्या होगा, धारिता क्या घट जाएगी। अगर इन्हीं संधारित्रों को मैं क्या कर देता हूं, समांतर में जोड़ देता हूं, तब आपको पता है कि यहां जो धारिता रहेगी वो 4 माइक्रोफेड रहेगा। अगर इस वाइंडिंग का जड कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो ये वाइंडिंग जल जाएगी और ये बात आपको जो मैंने बताई कि उसके जैसी रहेगी। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेडिंग मोटर जो होगी, सेडेड पोल मोटर होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।